नमस्कार। तो आज सियासत की खबरें यह है कि विपक्षी दलों के नेता सरकार का विरोध करने के लिए आज संसद काले रंग का कपड़ा पहन करके गए। उधर प्रधानमंत्री आज राजस्थान के दौरे पर थे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए फिर इंडिया पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जैसे सिमी था, जब उस पर बैन लगा सिमी पर बैन लगा तो फिर उन्होंने PFI नाम बना लिया, लेकिन उनका काम वही रहा। ठीक उसी तरीके से ये जो इंडिया है, ये UPA की जगह नाम बदल करके आया है। जैसे कंपनियां और दुकान अपना होर्डिंग बदल देती हैं लोगों को ठगने के लिए, वैसे ही इन्होंने नाम बदल कर इंडिया नाम रख करके ये कोशिश की है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी सत्ता की खातिर सत्ता के मद में चूर है और वो देख नहीं रहे कि मणिपुर जल रहा है। ये सब तीसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में आज NCP के नेता प्रफुल्ल पटेल, बागी NCP के जो है अजीत पवार गुट के, उनके नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजीत पवार कभी न कभी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, बहुत लोकप्रिय नेता हैं और बहुत वर्षों का उनका अनुभव है। तो कुल राजनीति की महत्वपूर्ण खबरें आज की यही है और मैं आम लोगों के बीच में जानने के लिए आया हूं कि इंडिया नाम को लेकर, मणिपुर को लेकर संसद में लगातार जो गतिरोध चल रहा है और दोनों तरफ से विपक्ष और सरकार जो हमलावर है, अविश्वास प्रस्ताव जो आया है उसको लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं और उनका क्या विचार है और उनके बीच माहौल क्या है, बताइए। सर देखिए, जहाँ तक इंडिया की बात है तो इन्होंने उस इंडिया के बीच में ना डॉट 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 डाल दिए, तो उसको बांट दिया 5 टुकड़ों में। आई कोई ले जाएगा, एन कोई ले जाएगा, डी को कोई और लेके भगेगा, तो एकजुट नहीं रहेंगे चुनाव। तो आपको लग रहा है कि इंडिया नाम रख देने से BJP में कुछ बेचैनी है? नहीं, देखिए भारत की हिंदुस्तान की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव के लोग इंडिया तो जानते नहीं, वो भारत जानते हैं, भारतवर्ष। और दुनिया में लोग क्या जानते हैं? दुनिया में अलग बात है, भारत भी जानते हैं। दुनिया में क्या जानते हैं? इंडिया जानते हैं तो, लेकिन वोट भारतीयों को देनी है, फॉरेन वाले यहाँ के वोट नहीं डालेंगे, वोट डालेंगे इस देश के नागरिक। अच्छा, नाम में कुछ रखा है? देखिए, नाम में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंडिया कोई अपना देश का नाम है इंडिया, और संगठन का नाम इंडिया रख लेने से कुछ नहीं होता। रही बात देखिए कांग्रेस है, नाम रखने बदलने से कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, नहीं। ये बीजेपी वाले विचारों से फर्क पड़ता है। बीजेपी वाले शहरों के नाम क्यों बदलते हैं, रोड्स के नाम क्यों बदलते हैं? नाम पहले बदले गए हैं तो पुराने नाम ला रहे हैं ना दोबारा, वो नाम पहले बदल दिए गए। और देखिए, आज भी हम जो इलाहाबाद है वो हमारा धार्मिक संगम स्थान है, उसको प्रयाग बोलते थे, उसको आज फिर प्रयाग कर दिया, ठीक है। वो तो इसलिए बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि, और सब जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरभजन। अच्छा, आप करते क्या है? मैं पहले अध्यापक रहा हूँ। कहाँ? किदवई नगर स्कूल में 11वीं 12वीं पढ़ाता था। सरकारी? हाँ। अभी भी है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे था, छोड़ दी, फिर अभी काम करते हैं अपना। कब से छोड़ा? 2001 में कांग्रेस ने बोला ये संघ के आदमी निकाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे हम लोग दिल्ली में। संघ के थे? मैं संघ का नहीं था, मैं नॉर्मल स्टूडेंट थे, दिल्ली जामिया से मैं पढ़ा हूँ। जब से आप वाली सरकार आई है संघ वाली, तब से आपको कुछ लाभ नहीं? नहीं, मैं संघ में था ही नहीं तो मेरे को क्या लाभ हानि होगी, ठीक है। अब क्या करते? अब मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ अपना। अरे यार, पढ़ाने से प्रॉपर्टी पे आ गए? सर देखिए, क्या होता है कि हम लोग अध्यापक हैं, हमने ये पढ़ा है कि भाई समाज में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, तो अगर हम अपना ही शोषण कराने लगे प्राइवेट स्कूल में जाके 10-20 हज़ार रुपये महीना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आपका काम धाम ठीक चल रहा है? काम ठीक है, काम ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, वो भी कमा रहे, हम भी कमा रहे, ठीक है। और आप क्या करते? सर हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं जी। कंस्ट्रक्शन कहाँ? ये दिल्ली में? दिल्ली में नहीं, दिल्ली से बाहर करते हैं। आपका नाम क्या? हरभजन सिंह। आप तो टर्मिनेटर, हरभजन सिंह का नाम टर्मिनेटर। पंजाब से है ना? पंजाब से आए हुए यहाँ पे। अरे यार, तो हरभजन सिंह जो बिल्कुल वो क्रिकेटर है, हमारे जलंधर से हैं। हाँ, वो अब MP भी बन गए। MP भी बनेंगे, उनका मन ही नहीं लग रहा, कह रहे संसद ठप हो जा रही है, मन नहीं लग रहा है। हाँ, मन इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि देखो ये केजरीवाल की सरकार है, अच्छे काम तो इन्होंने करने नहीं है, सिर्फ क्या करना है राजनीति का। केजरीवाल का कहाँ बात है? बिल्कुल, वो जब केजरीवाल की पार्टी की है तो फिर उन्हीं ने तो ठप कर रखा है। अच्छा, वो हाँ, जब वो
उनके राज्यसभा मेंबर ही है, उनके हैं, तो फिर ठप ही उन्होंने कर रखा है, तो अपनी पार्टी को कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और बताइए, आप ही बताइए, और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना, आप सवाल करिए, हम उसका जवाब देंगे। सवाल यही कर रहे हैं कि ये मणिपुर में सरकार क्या कर रही है? मणिपुर में सरकार ये कर रही है, कंडे किसने बीजे हुए थे? ये 70 सालों से कांग्रेस ने, नेहरू के टाइम के कंडे बीजे हुए ये। क्या है मामला मणिपुर का? ये मणिपुर का मामला क्या है? जब हिंदू मुस्लिम किन्होंने किया, इन्होंने ही सबको जलाया रखा है। जब अब मणिपुर में क्या है मामला? मामला कुछ नहीं है, मामला था रोहिंग्या का, मामला था वो उसका ब्रह्मा का, ब्रह्मा के नाम इन्होंने स्टेट कर रखी थी मणिपुर का। ये मामला बिल्कुल यही मामला, हाँ ये उन्हीं का ही मामला था। अरे मणिपुर का ब्रह्मा और क्या बता रहे किसका? ये ब्रह्मा का, ब्रह्मा का, ये ब्रह्मा को दे रखा था इन्होंने। ये जो 3 समुदाय का झगड़ा है आपस में, ठीक है ना, उसके लिए ही उन्होंने कर रखा है। और ब्रह्मा, 3 समुदाय क्या आप जानते हैं? नहीं जानते बिल्कुल, इसके लिए जो जितना जानते हैं हमें पता है, ये मैथु समुदाय हो गया या जो ये 3 समुदाय है, इनका ही आपस में झगड़ा है। कोई बात नहीं, ये आप जानते हैं, मणिपुर भले न जानते हो लेकिन ये जानते हैं कि जो वहाँ प्रॉब्लम है वो नेहरू की वजह से। बिल्कुल, इनकी वजह से, कांग्रेस की वजह से प्रॉब्लम। हाँ जी आप इधर आए, भाई साहब ने बता दिया, मैं क्या बताऊंगा। आप भी यही जानते हैं कि मणिपुर का जो समस्या है वो ब्रह्मा की वजह से? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बता सकता, हमारे इतने बड़े बड़े सीनियर हैं। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं बता सकता। करते क्या? ऐसे घूमते रहते हैं, रोडों पे काम देखते रहते हैं। अच्छा, सरकारी काम देख रहे हैं? काम कंपनी का आपका चल रहा? नहीं नहीं, काम ढूंढ रहे हैं, कोई काम मिल जाए तो कर लेंगे। आप इस उम्र में काम क्या करें? अब सर का भाषण लीजिए ना, वो सीनियर है। हाँ जी बताइए। और महाराज जी कैसे हैं? अरे साहब ठीक है महाराज जी, आप बताइए। चलते फिरते लोगों से। अच्छा, क्या लोगों से क्या जानकारी ले रहे हैं? जानकारी ले रहा हूँ कि ये देख रहे हैं संसद चल नहीं रही, ठप है, मणिपुर का मसला है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया नाम रख करके ये सब जो है सब एक हो रहे हैं। ये दो गुजराती जो है ना, ये दो गुजराती, हाँ, ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग तो कह रहे हैं कि वो ऊपर ले जा रहे हैं। कहाँ ऊपर ले जा रहे हैं? इतना महंगाई हो गया, इतना बेरोजगारी हो गया, इतना सारा कुछ हो गया, आप देख नहीं रहे हैं कि क्या हो गया है पूरे हिंदुस्तान में? और उसके बाद भी लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर तो सब रसातल में जा रहा है, रसातल में, ये एकदम रसातल में जा रहा है। और अगर रह गया 24 में तो बेड़ा गर्क। अरे वो तो कल ही ऐलान कर दिए कि हम तीसरे टर्म में। फेकू फेकू, अभी कल क्या बोला सुनो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीसरे टर्म में जब आएंगे तो देश को ले चल के पांचवा बड़ा इकोनॉमी बना देंगे। तीसरा तो ये तो 20 वैसे 14 में जब आए थे तब उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो आई गए। 2 करोड़ नौकरी भी दे रहे हैं, 15 लाख रुपया भी दे रहे हैं, सबके खाते में भी जा रहा है, सिलेंडर 1100 कर दिया है, सारा चीज हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या, देश का सत्यानाश। मोदी को वोट दो, 1500 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? मोदी को वोट दो, 2000 का सिलेंडर होगा। तो भी तो फर्क नहीं, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है तो कमाई भी तो बढ़ रही है। कमाई नहीं बढ़ रही है, सिलेंडर 5000 का हो तब भी कम है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते? सिलेंडर 5000 का होगा जब देश का भला होगा। बहुत बहुत बुरा हालत है, बहुत बुरा। आप बताओ।